वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वक्त मैं हूँ एमपी नगर में। एमपी नगर में पता है कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। तो आज मुझे एक ब्रांड मिला है, फ्रेंचाइजी है वैसे तो, ये अवध फूड्स करके। इसका मेन आउटलेट अगर आप बोलोगे तो झांसी से है और ये रिसेंटली ओपन हुआ है। भाई एमपी नगर में ना रीजनेबल बहुत ज्यादा आइटम्स मिल जाएंगे, बट रीजनेबल के साथ साथ कुछ यूनिक मिल जाए तो क्या बात है। तो ऐसा ही कुछ अवध फूड में आपको रीजनेबल प्राइस के साथ कुछ कुछ नई चीजें मिलेगी, मतलब अवध का टेस्ट मिलेगा, जो होता है ना अवध फूड क्विजीन का वैसा कुछ टेस्ट मिलेगा, बट वेजिटेरियन में मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप याद रखना, और एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद द प्राइस रेंज। अब आपको दिखाते हो यहाँ पर आउटलेट कैसा। ये हमारा आउटलेट एक बाहर काउंटर है, मतलब ज्यादा सेटिंग नहीं है, तो आप अपनी कार वगैरह में भी एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आप मिलती हूँ आपको फूड पे। तो अवध फूड्स पे आके सबसे पहले यहाँ पे एक ये झांसी का ब्रांड है, और यहाँ पे स्पेशली आपको अवध फूड में क्विजीन में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ट्राई करी वो है इनके स्पेशल वेज बिरयानी, और यहाँ पे आपको सिर्फ वेज मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा, तो आप वो मत करना। उसके बाद यहाँ पे ना सबसे पहले हम बिरयानी ट्राई कर रहे हैं, और बिरयानी दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी, थोड़े से कलरफुल राइस है, एक ऑरेंज और येलोइश में, साथ में हमारी ये न्यूट्री है और अनियंस, और साथ में हमें इतनी सारी चटनी मिली। भाई जितनी चाहिए उतनी डालो और इंजॉय करो। चलो ट्राई करते हैं। उसके अरोमा इतना ज्यादा अच्छा है ना कि क्या ही बोलूं, दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रही है। चलो एक बाइट लेके देखते हैं अनियन के साथ। वाओ आई लाइक दिस अ लॉट। और इसका प्राइस मात्र 60 रुपीज है भाई। उसमें जम्बो भी आता है, क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, उसका प्राइस 110 जाता है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इलायची है। आई डोंट लाइक इलायची। वेरी नाइस, मिलते हो आपको नेक्स्ट। सो अवध फूड्स पे जो हम नेक्स्ट ट्राई करें वो है हमारा कबाब पराठा। दिस इज फॉर लाइक कि यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कबाब पराठा। आई थिंक तो भोपाल में आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। इसका प्राइस भी 60 रुपीज आएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी प्राइसिंग मिल जाएगी, बट हाँ ये कुछ नया है भाई, झांसी का ब्रांड है और काफ़ी डिफरेंट फूड वेराइटी आपको बोलूँगी। अवध फूड में नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा फेमस है कंपेरेटिवली टू वेजिटेरियन फूड, और फूड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इससे पहले मैंने बिरयानी खाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अगर आपको खाली कबाब लेना हो वो भी आप ले सकते हो। इसका प्राइस आते 20 रुपीज आएगा, बट आई थिंक सो ट्राई वर्थ इट है। चलो ट्राई करके देखते, मैंने भी टेस्ट नहीं किया। तो ये है हमारा पराठा। इसकी मील में आपको दो पराठे आते हैं मिंट चटनी और अनियन के साथ। चलो ट्राई करते हैं, चलो आपको इसकी फिलिंग दिखाते हैं। ऐसा कुछ कबाब पराठा है, मिंट चटनी हाथ में थोड़ी। ये जो हमारा कबाब है ये खुद तो दाल का बना हुआ है। अवध फूड में नॉर्मली आपको कुछ डिफरेंट ही मिलता है नॉन वेजिटेरियन में, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, थोड़ा टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, मुझे अच्छा लगा। फ्लेवर्स अगर मैं बोलूँगी थोड़ा सा कहीं कि हल्की सी एक बाइट है उसमें, केक थोड़ी सी चिली की और मसाले काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसे पता है काफ़ी देर तक कुक किया हुआ ऐसा लग रहा है बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास कबाब बर्गर, वेज कबाब बर्गर। इसके अंदर भी हमारी कबाब की पैटी गई है, कुकुम्बर है, मेयो है और साथ में अनियन है। एक बाइट लेके देखते हैं टेस्ट में कैसा है। भाई दिखने में तो काफ़ी प्रेटी है, वेरी नाइस यार। अब तक आपने बर्गर आलू टिक्की में खाया होगा या फिर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में, बट ऐसा नहीं खाया होगा। मस्त ट्राई है ये तो। मैं आपको बोलूँगी ये दोनों चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो अगर एमपी नगर में घूम रहे हो ना, ऐसे ही अफोर्डेबल कुछ ढूंढ रहे हो। क्या होता है ना बाहर स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर से आते हैं तो वो कुछ ढूंढते हैं स्पेशल जो आपका पेट भी भर जाए और ज़्यादा हाई फाई मतलब मसाले वगैरह भी ना हो। तो आई थिंक सो ये आप ट्राई कर रहे हो। काफ़ी सटल फ्लेवर्स भी है, थोड़े मसाले अच्छा लग रहा है खाने में, बिरयानी काफ़ी अच्छी, तो प्राइस रेंज भी अफोर्डेबल भी है। तो आप ये दोनों चीज़ें जरूर ट्राई कर सकते हो। आप में मिलते हैं आपको नेक्स्ट का। नेक्स्ट ट्राई करें वो है इनका पनीर चीज रोल, और साथ में है हमारा चीज कॉर्न सैंडविच। मतलब ऐसा यहाँ पे आपको बिरयानी मिल जाएगी, कबाब भी मिल जाएंगे, रोल्स मिल जाएंगे, बट इसके बिसाइड में इनके मेन्यू काफी ज्यादा वाइड और वैरायटी काफी है। नूडल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, सैंडविचेस मिल जाएंगे और शेक्स भी मिल जाएंगे, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा। मेन्यू तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप चेकआउट कर लेना। तो चलो सबसे पहले इनका है ना पनीर चीज रोल आपको दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग देखिए अपन,
लुक एट दिस, पनीर की क्वांटिटी भी ग्रेटेड एकदम मुशीर सा है, उसमें वेजीज भी काफी सारी है और चीज भी है और कैप्सिकम अनियंस भी है। चलो एक ट्राई करते हैं, बाइट देते हैं। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टेस्टी है। भोपाल में आपको इतने रोल जूसी नहीं मिलते हैं वेज में, बट ये बहुत ज्यादा जूसी रोल है, अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है। इवन तो पनीर के भी जो पीसेस उसमें वो है ग्रेटेड, बहुत सही टेस्ट है, ऑयल भी प्रॉपर है उसमें और वेजी का खाने में मजा आ गया। ये रोल अभी मेरा फेवरेट होने वाला है, अवधपुर में जब भी आऊंगी, हाईली रिकमेंडेड है, आप ये जरूर ट्राई करना। और नेक्स्ट है हमारे पास चीज कॉर्न सैंडविच, मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। इस पर एक मस्टर्ड मेयो है ऊपर से और चिली फ्लेक्स वगैरह है। एक बाइट लेके देखते हैं, आपको फिलिंग दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखो लिक्विड चीज कॉर्न्स है और कुछ वेजीज है और ग्रिल भी हुआ है। ये सैंडविच खाने के बाद मैं आपको एक बात बोलूं, भोपाल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैंडविच आई एवर ट्राइड। इतना ज्यादा टेस्टी बना हुआ है ना, क्योंकि क्या ही बोलूं, चीज का फ्लेवर जो आपको प्रॉपर मिला क्योंकि लिक्विड चीज यूज हुई है, थोड़ा सा स्वीटनेस है क्योंकि मेयो भी है साथ में और कॉर्न्स फ्लेवर्स आर बैंग ऑन। तो अगर आप ओवरऑल मुझसे बात करो, अवधपुर पे जो हमने ट्राई किया था, हाईली रिकमेंडेड आपको है इनके पनीर चीज रोल्स, पनीर चीज रोल्स। उसके बाद हमने जो कबाब पराठा खाया था दैट वॉज यम, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। मतलब यार मैं अभी तक इतने सारे फूड ट्राई किया, मैं इसमें से कुछ भी ऐसा वो नहीं निकाल पाई कि यार इसमें मसाला कम था या फिर कुछ डिफरेंट था, नथिंग। फूड बहुत अच्छा यार, अगर फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ऐसा कुछ फूड आपको प्रोवाइड करिए ना, तो मैं तो बोलूँगी आपको मस्ट ट्राई है भाई। अगर लोकेशन की भी बात करूँ तो यार पता है मैं गूगल मैप से आई थी, गूगल मैप ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था। तो ये देखो आप एक बार गली देख लो, शायद गली से पहचान जाओगे। गली से देखोगे ना तो इस साइड पर आप देखोगे तो आपको अवधपुर दिखेगा। तो ये है एक इजी रास्ता देखने के लिए, अदरवाइज आप पता परेशान हो जाओगे। मेरे को भी एकदम से नजर पड़ गई तो मैं आ गई एकदम से, और मैंने ट्राई किया, फूड बहुत अच्छा है, आप लोग हाईली रिकमेंडेड है, जरूर ट्राई करो फूड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो ऐसा कुछ भोपाल में नया नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब चैनल।